हेलो एवरीवन, हाउ आर यू बेटा। हमने लास्ट लेक्चर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में थोड़ी सी स्टडी की थी, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब इसी में हम आगे देखते हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स। कुछ आपको पता है और कुछ मैं अपने तरीके से एक प्रॉपर वे में इनको एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि बहुत यूजफुल है इन द फर्दर कॉम्पिटिशन्स एंड इन योर 10th बोर्ड एग्जाम्स। सो व्हाट आर द जनरल करेक्टरिस्टिक्स? जैसे कोई क्वेश्चन आ गया सब्जेक्टिव में, राइट द जनरल करेक्टरिस्टिक्स, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। यू हैव टू जस्ट राइट 5-6 करेक्टरिस्टिक्स एंड यू गेट 2 or 3 मार्क्स। एंड इफ यू राइट ऑल दीज पॉइंट्स विद एग्जाम्पल्स विद प्रॉपर डिस्कशन, then definitely you get 3 marks. But if we talk about the knowledge, what are the overall general characteristics of acids, what type of objective question can be asked on the basis of general characteristics of the acids by giving the 4 options or in any other ways, किसी भी तरह से अगर आपको कोई question पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाएगा, please ध्यान दीजिए। पहले तो generally almost all acids are sour in टेस्ट, यू नो, जितने भी एसिड्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक एसिड्स हो, ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड्स लाइक ऑक्सैलिक एसिड, ओके, लाइक सम अदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच हैव एसिडिक करेक्टरिस्टिक्स, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, देयर सो मेनी। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर व्हाट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड्स, ठीक है, ये सारे इनऑर्गेनिक। तो कोई भी एसिड हो जनरली वो टेस्ट में सोर होते हैं। अगर आप इनकी टेस्टिंग करते हो, नेचुरल टेस्टिंग बाय द इंडिकेटर लिटमस, द रिटर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू नेट। इफ वी टेस्ट द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और नॉट, इफ वी टेक मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज इज अनदर chemical or synthetic indicator, it is orange in color, but when we add some acidic solution in it, it turns to red. ये red हो जाता है, ठीक है? Take methyl orange, add acidic solution, then its color changes to red. जैसे ही red हो जाए समझ जाइए कि ये जो है acidic है। यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे ले सकता था, मैंने लिया नहीं अभी, phenol phthalene, actually this is the phenolphthalein, it is colorless in acidic medium because it is also acidic, theek hai, so isliye maine isko le liya। Now most of acids are corrosive in nature, but a corrosive matlab have tendency to oxidize, corrosive means can burn to the particular substance। अगर आप एसिड्स की बात करो और पर्टिकुलर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कंसंट्रेटेड एसिड्स हैं, एंड इफ यू पुट 1 ड्रॉप ऑन द स्किन, स्किन बर्न, ठीक है, और अगर एक आध ड्रॉप आपने क्लॉथ्स में डाल दिए, कॉटन क्लॉथ या किसी और में, तो आग भी लग सकती है और उसमें होल हो सकता है। सो दीज आर द कोरोसिव इन नेचर, प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन, अगर स्किन पर डालते हो देन इट इज इट कैन बर्न टू द स्किन and make hole on the clothes. That is why a question aa sakta hai ki why acids are generally stored in the glass bottles or in the ceramic containers, theek hai, not generally in plastic bottles or like some sensitive material, metallic bottles, metallic containers, metals ke sath to usse rakhe nahi sakte। मेटल्स और एसिड का तो 36 का आंकड़ा है, जैसे आपने किसी मेटल में एसिड डाला, मेटल कोरोड हो जाएगा, इट गेट कोरोडेड, ठीक है, इसलिए ऑलमोस्ट वी प्रेफर नॉन रिएक्टिव मटेरियल टू स्टोर द एसिड्स, दैट्स व्हाई वी स्टोर एसिड जनरली इन ग्लासेस और सेरेमिक, आप समझ सकते हो स्टैचूज वगैरह बनाने के काम आते हैं, सेरेमिक मिट्टी के एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्ले है, उसके कंटेनर होते हैं, ठीक है, बिकॉज दीज आर नॉट अटैक्ट बाई एसिड्स। बेटा यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन डालना चाहूंगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एच एफ,
हाइड्रोजन फ्लोराइड. हाइड्रोजन फ्लोराइड इज हाईली कोरोसिव. इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इवन इन द ग्लास बॉटल्स बिकॉज इट हैव वेरी वेरी कोरोसिव प्रॉपर्टी. इट कैन डिजॉल्व टू द ग्लासेस. HF में फ्लोरीन है. फ्लोरीन इज अ सुपर हैलोजन. हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को मोस्टली टेफ्लॉन कंटेनर्स या इनर्ट मटेरियल प्लास्टिक कंटेनर्स जो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, उस टाइप के बॉटल्स में रखते हैं. इसको ग्लास में भी नहीं रख सकते बिकॉज इट कैन डिजॉल्व टू द ग्लासेस. दैट्स व्हाई हाइड्रोजन फ्लोराइड जनरली कैन बी यूज्ड फॉर द इचिंग ऑफ ग्लासेस. अगर आपके पास कोई ग्लास प्लेट है, ग्लास शीट है और उसमें स्क्रैचेस आ गए हैं, देन HF का आप सॉल्यूशन स्प्रे करिए और एक कपड़ा मार दीजिए. कपड़ा नहीं मारना क्योंकि एसिड है. हाथ में ग्लव्स पहन करके उसको आप रफ कर दीजिए किसी भी चीज़ से. आप देखोगे इचिंग हो गई, उसके जो इचिंग थी वो रिमूव हो गई बिकॉज जो इचिंग से निकला हुआ ग्लास पार्ट था कांच का वो डिजॉल्व हो गया. सो हाइड्रोजन फ्लोराइड कैन नॉट बी स्टोर्ड इवन इन ग्लासेस ड्यू टू इट्स हाईली कोरोसिव नेचर. ओके, नाउ व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, मैंने कहा ना मेटल्स के साथ तो ये हाईली कोरोसिव है, हाईली रिएक्टिव है. तो ये किसी मेटल जैसे जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, अगर हम एक्टिव मेटल के साथ कोई एसिड रखेंगे तो ये हाइड्रोजन इवॉल्व कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट रिएक्टिविटीज, मैं 5 पॉइंट डिस्कस कर दिए तो मैं यहाँ पे रिएक्शन शो करके आपको दिखाता हूँ ताकि आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सको. जिंक, अगर आप इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालो, इट विल गिव यू जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन इवॉल्व कर देता है. सिमिलरली आयरन, मैग्नीशियम, इनके साथ आप H2SO4, ठीक है, या फिर HCl, जैसे मैग्नीशियम के साथ HCl ले लें, इट गिव्स MgCl2 एंड H2. So all these are the reactive metals. All active or reactive metals can displace hydrogen from the acids. ये hydrogen release कर देते हैं. But if we talk about copper, silver, gold, platinum, remember these type of metals generally do not react with the acids because these are the less reactive metals. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, एक्टिविटी सीरीज में काफ़ी पीछे हैं. और इनमें भी अगर मैं कंपैरिजन करूँ कंपेरेटिवली, अल्कली एंड अल्कलाइन ऑफ मेटल्स आर मोर रिएक्टिव. मैग्नीशियम इज द मोस्ट वन, देन जिंक, देन आयरन, देन कॉपर. मैग्नीशियम कैन रिएक्ट विद कोल्ड एसिड और यू कैन से इट कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हीटेड वाटर, it reacts with steam, and copper does not react with water. We can compare the relative reactivities of the metals with the help of this discussion. So when metals react with the acids, generally hydrogen is evolved if metals are reactive, but if metals are non-reactive like these, then no reaction. Now reaction with metal carbonates or metal bicarbonates, जनरली आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो. मैं इसको इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए मेटल एक्टिव है कि इनएक्टिव है. अदरवाइज मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड्स गिव हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लेते हैं, लेकिन ये एक्टिव मेटल्स होने चाहिए. यहाँ पे मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स. मेटल कार्बोनेट्स लाइक दिस, जैसे सोडियम कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट्स जैसे कि ये. अगर आप इनमें भी कोई भी एसिड डालोगे तो बेटा ये करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं. मेटल कार्बोनेट्स इवन बाइकार्बोनेट्स बोथ रिएक्ट्स विद द मिनरल एसिड्स टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड. ये सॉल्ट्स देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगी. कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना एसिड की टेस्टिंग है. जब आप लेबोरेटरी में जाओ और आपको एक सॉल्यूशन दिया जाए और कहा जाए कैन यू टेस्ट दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, इन द वेरी सिंपल मीनिंग
ठीक है, आप उनसे कहिए कि प्लीज़ गिव मी मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट पाउडर और सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट पाउडर फॉर्म में करके रख लीजिए एंड उसमें वो एसिड जो दिया है आपको डालिए। डालने के बाद एक गैस निकलेगी विद इफर्विसेंस विद द हिसिंग साउंड लाइक दिस। ओके, सो वो जो गैस निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। How can you test the given gas is carbon dioxide or not? The released gas should be passed to the calcium hydroxide solution. शायद आप में से बहुत से बच्चे जानते होंगे। This is the select line. अगर आपने कभी ये test करना हो कि metal carbonate और carbonates से CO2 निकलती है या नहीं, ठीक है, तो आप इसका solution लेकर के वहां CO2 pass करिए। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है सिलेक्ट लाइम, ठीक है, ये मिल्क ऑफ लाइम भी है एक तरीका से। जैसे ही आप इसमें CO2 पास करोगे कैल्शियम कार्बोनेट की मिल्कीनेस आएगी यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, इसकी मिल्कीनेस आएगी। और अगर आपने इसमें CO2 कुछ और देर तक कंटिन्यूस रखी पास तो मिल्कीनेस डिसअपीयर्ड हो जाएगी due to the formation of calcium bicarbonate. तो एक यहाँ पे एक्टिविटी बनती है और बढ़िया क्वेश्चन बनता है, प्लीज ध्यान दीजिए। एक्टिविटीज के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। How can you test the salt as मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट? कोई सॉल्ट मेटल कार्बोनेट है मेटल बाइकार्बोनेट है कैसे टेस्ट करोगे? और हाउ कैन यू टेस्ट द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक? ये दोनों ही चीजें बेटा एक साथ समझाई जा सकती है। एक ही टेस्ट के थ्रू बताया जा सकता है कि कैसे आप इसको डिटेक्ट करोगे। इट्स वेरी इजी, टेक दैट पर्टिकुलर सॉल्ट, एड सम एसिड इन इट, आफ्टर द रिएक्शन विद इफर्वेसेंस विद हिसिंग साउंड अ गैस इज रिलीज्ड। वी डोंट नो द नेचर ऑफ दिस गैस, but when this gas is passed through, अगर आप इस गैस को select line से पास करो तो इसमें बेटा पहले तो मिल्कीनेस आएगी, वो कैल्शियम कार्बोनेट की होगी, और कुछ देर और पास करते रहो तो फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि कलरलेस है इसकी मिल्कीनेस डिसअपीयर्ड हो जाएगी। हम टेस्ट कर लेंगे कि ये जो सॉल्यूशन लिया था वो एसिड है, या अगर एसिड गिवन है तो जो सॉल्ट लिया था वो कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है। सो इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक, अनदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, एसिड्स रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, व्हेन वी ऐड सम एसिड मिनरल एसिड्स CO2 इज इवॉल्व्ड विद सॉल्ट एंड वाटर। और CO2 को सिलेक्ट लाइन से पास कर दो तो पहले मिल्कीनेस आएगी फिर मिल्कीनेस में हो जाएगी। एसिड्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला पॉइंट है कि जो एसिड्स हैं वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। डेफिनेटली इफ वी टॉक अबाउट सम ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे एसिटिक एसिड, सम अदर कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल दीज एसिड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर हैव टेंडेंसी टू रिलीज एच प्लस आयंस। अदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव टेंडेंसी टू गिव एच प्लस आयंस
मतलब ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं। इफ वी टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक एसिड्स दैट इज HCl, इट गिव H प्लस Cl माइनस, H2SO4 इट गिव्स H प्लस HSO4 माइनस, HNO3 इट गिव्स H प्लस NO3 माइनस। ऑल एसिड्स जनरली हैव टेंडेंसी टू गिव H प्लस आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। इनऑर्गेनिक एसिड्स कंपैटिबली गिव मोर H प्लस आयंस देन द ऑर्गेनिक एसिड्स। सो जनरली इनऑर्गेनिक एसिड्स आर कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर कंसीडर्ड एज वीक एसिड्स। एंड द एसिड्स विच हैव टेंडेंसी टू गिव H प्लस आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस और आयनाइज स्टेट ऑल्सो नोन एज Arrhenius acids, the basis of name of scientist, जो acid H plus ions दे देगा वो Arrhenius acid कहलाता है। H plus ions also known as protons, इनको हम protons भी बोलते हैं। इसीलिए बेटा जितने भी acids हैं all these are very good conductor of electricity because the conduction of electricity is responsible only for by the presence of ions either in their aqueous solutions or in their molten state. You know, in the solution, ions are responsible for current conductions, and in the solid state, free electrons are responsible for the current conduction. So their aqueous solutions or their molten state of the acids, that is the Arrhenius acids, either organic acids or inorganic acids, are good conductor of electricity. Due to donation of tendency of protons, Arrhenius acid, वैसे तो ये वर्ड आपको हायर क्लासेस में प्लस वन में आएगा। Arrhenius is the name of scientist. Arrhenius acids are those which have tendency to give H plus ions or protons in their aqueous solutions. In their aqueous solutions. Okay, so good conductor भी है, H plus ions भी देते हैं। अगली property है, acids can neutralize bases. ये तो common सी बात है। Acids bases को neutralize करते हैं या बेस एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। सो व्हेनेवर व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विद द बेस वी गिव सॉल्ट प्लस वाटर। जब कभी भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा देन वो न्यूट्रलाइज कर देगा। द रिएक्शन नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें कुछ हीट भी निकलती है मोस्टली एक्सोथर्मिक। बेटा इसी का कंसेप्ट है, आप लोगों ने सुना होगा कई बार किसी को एसिडिटी हो जाती है। आप जानते हो जब हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारे स्टमक में ठीक है एक ग्लैंड है जहाँ से HCl निकलता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ अवर फूड। बट कई बार क्या होता है ड्यू टू ओवर ईटिंग, जब ज़्यादा खा जाते हैं और कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, आप देखते हो डकारें आ रही हैं ठीक है, सीने में जलन सी हो रही है स्टमक में, दिस इज ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ HCl इन द स्टमक दैट मे कॉज अल्सर्स इनसाइड। ओके, सो टू टर्मिनेट द सिम्टम्स ऑफ दिस दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। आप जानते हो, पढ़ते हो, टू neutralize this overproduction of HCl in the stomach, we generally use the medicine that is called antacids. Medicine called antacids, disease called acidity. So acidity is due to acidic production, and to neutralize this over acid, we use the antacids. Antacids means basic solutions. Mostly medicines have weak bases like MgOH will thrice, AlOH will thrice in the antacids.
एंजियोस्पर्माइज इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज्ड एज एंड एसिड टू न्यूट्रलाइज द ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द केस ऑफ ओवर ईटिंग और सम ईटिंग फूड विच इज नॉन डाइजेस्टेड. ओके सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. और जब कभी आप किसी एसिड को वाटर में डिजोल्व करोगे then it ionizes to give H plus ions. In water, the H plus ion is present in form of H3O plus ion. H3O plus ion is known as hydronium ion. इसे हम hydronium ion भी कहते हैं. So these are some general characteristics of acids. देखो अगर तो subjective point of view से लिखना है then you can write 5, 6, 4 points. 5 points is very much sufficient. But if you talk about the knowledge, then you have to summarize all these points. So watch the video and read from the book. अभी इसमें बहुत कुछ बताना बाकी है. Types of acids, acids के और भी characteristics हैं chemically. So एक बार इस video को अच्छे से ध्यान से देखिए. ठीक है, बाद में मैं इसके आगे की sequence next lecture में send कर दूँगा. Okay? चलो तब तक देखिए और पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए.